पहुंचेगा तकरीबन 2 घंटे में पहुंचेगा, आना पड़ेगा पादम। ऐसा लग रहा है कि तो तिब्बत के अंदर बार बार गिरते रहते हैं। जी साहब, अब जी थे देश हुआ निकलना लगभग देखी बिंदी यार गलत किया दिन ढूंढ तक तो चीज ऊपर से पत्थर भी गिर रहे क्या। यहाँ से निकलने तक 90 किलोमीटर और है और 2 घंटा रोड है ना, तो समझे एक गाड़ी आ गया तो फंस गया यार, इतना खतरनाक है यार, नीचे से आया भाई। अभी आपको बता दो ना, हम लोग थोड़ा रास्ता भटक गया यार। सभी को गुड मॉर्निंग, नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ और नए लोकेशन के साथ मैं हूँ इस वक्त पादम जंस्कर वैली में। ठीक है, और आज रात हम इस होटल में बैठा हूँ। होटल मतलब होटल नहीं है, एक तरफ से वो है, आपको दिखाता हूँ, है ना। होटल नहीं है लेकिन ये है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है NHDL का ना, NHIDL का ये फार्म हाउस है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो स्टाफ था कल मेरे हमसे मिला था, वो बोला रूम चाहिए, बोला था हाँ चाहिए बोला था, तो हमको रूम ये सस्ता पड़ा, तो हमको पड़ा एक रूम का 1500। ठीक है, 3 बेड था आराम से, ये वाला रूम था, ये NHDL का है, हाईवे का। लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है मेंटोगलिंग होटल लिखा हुआ है, ये ध्यान नहीं देना, ये बिल्कुल हेलीपैड के सामने है ये वाला ना। ठीक था, बढ़िया था, ये था पादम का वैली का नज़ारा, आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, धूप अभी थोड़ा सा छाव नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से हमको जाना है ले, आज हम तीनों निकल रहे यहाँ से, रवाना हो रहे ले की तरफ, है ना। और मैंने यहाँ के स्टाफ से पूछा था 50 किलोमीटर तक रोड तो आपको मक्खन तरह मिलेगा, बाकी इसके बाद तो ऑफ रोड मिलेगा। और मैंने बोला वाटर क्रॉसिंग मिलेगा, वाटर क्रॉसिंग नहीं है और कोई हाइट नहीं है, कोई ला नहीं है, वो पास नहीं है, सिर्फ आपने सिर्फ ऑफ रोड है बस। जो हम लोगों ने क्या बोले गोंबू रामचू से यहाँ तक आया था ना, जो बीच बीच में ऑफ रोड नहीं था वही सेम था। चलो अपना पैकिंग पूरा हो गया, सामान पूरा बांध दिया, सुबह के 9 बज रहे, अभी थोड़ा हम चाय पी रहा हूँ। ठीक है, बंदा वो सामान बांध रहा है, चाय पी के निकलते हैं, ब्रेकफास्ट देखते हैं कहीं भी खा लेंगे ढाबा में ना। कल रात तो ज़बरदस्त नींद आया था यार, थक गया था ना, मज़ा आ गया। ये है आज पादम का, आज ब्रिज में रास्ते में 2 मोनेस्ट्री मिल रहे ना, रास्ते में मोनेस्ट्री पड़ रहे, अगर समय है तो हम मोनेस्ट्री को विजिट करेंगे, है ना। वैसे तो समय है और आगे भी है पेट्रोल पम्प, शायद हम पेट्रोल पम्प नहीं, टैंकी मैंने फुल कर दिया, शायद वो फुल टैंकी से पहुँच जाएगा ले मेरे ख्याल से। चलो चलो अभी यहाँ से चाय पी के निकलता हूँ। ठीक है, पादम से निकल गया अभी लेगी और बस ब्रेकफास्ट वगैरह खा लिया, अब यहाँ से निकलते हैं सीधा लेगी और बीच रास्ते में अगर मोनेस्ट्री मिल गया तो विजिट करेंगे, नहीं तो फिर निकल जाएंगे सीधा अपना मंजिल की ओर, ले मार्केट, ले सिटी। अभी आप पातम को छोड़ के जा रहे हैं, मज़ा आया भाई। अभी तक तो रोड सही है, देखता है भाई साहब क्या नज़ारा है भाई, पूरा जहाँ नज़र जा रहा है ना पूरा पादम है। मौसम थोड़ा चेंज हो गया यार अभी, है ना, वैसे तो मैंने विंड चीटर डाला हुआ है लेकिन ठंडा हवा आ रहा है बिल्कुल। देख लो भाई पादम का रोड का नज़ारा, क्या मक्खन की तरह रोड है, क्लास 9A1 रोड, ऑल वेदर रोड। मेरे को 2 मोनेस्ट्री नज़र आ रहे हैं ना, एक इधर हो गया, एक उस साइड में दो है मोनेस्ट्री आगे। लेकिन ये try to play but you're never gonna beat me, look the other way, what I'm doing ain't easy, bloody hands stained from the people who deceive me, muddy hands break through the chains, go free me, looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train, I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test and
Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drag the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm a... ऐसा view तो मिलेगा भी नहीं आप लोगों. ऐसा view चाहिए तो आपको आना पड़ेगा पदम पदम ढूंढने इस रोड पे. जंगला रोड, लिंकशिट रोड, इस रोड पे है ना, ऐसा व्यू आपको मिलेगा भाई. जन्नत है भाई, जन्नत. ऐसा लग रहा है कि मैं तो तिब्बत के अंदर बाइक चला रहा हूँ यार. तिब्बत में तो यही है, सेम टू सेम है पार्ट, पूरा सेम टू सेम भाई. कसम से यार, मज़ा आ गया भाई. अभी यहाँ से जंगला है 8 किलोमीटर जंगला. बार बार गिरते रहते. This island.
अबे दो जी थे देश रो दी गबलो दी खोलो दी स्लिप शॉट मार ही मारे मैंने निकल लगभग दी मिंदी है सपोर्ट चेक मंदु दी गंदा ऑफ रोड है यार गलत किया देने ड्रोन तक तो चीज है अपना दाहिने हाथ है ना यार ग्रिप नहीं पकड़ रहा यार अगर ज़्यादा ग्रिप पकड़े तो दर्द हो रहा है यार ऊपर से पत्थर भी गिर रहा है क्या That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it to the road, yeah. 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 Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our butts, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fire glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas, unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living a plan. Juhay. छह तो हो यार किस तो लगभग दूधा ना और क्या बच्चे जोला सी उन जो क्यों क्यों छह दूधा अभी थोड़ा पांच मिनट के रेस किया टी ब्रेक किया था ना बाप रे इतना गंदा रोड है यार कसम से कितना यार 20 किलोमीटर या 20 या 25 किलोमीटर बाद है ना रोड सही था इसके बाद है ना बिल्कुल जेसीबी जब आप शायद देख रहे होगा जेसीबी जब खुदाई कर रहा था ना वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी हम तो सिर्फ आधा रास्ता पहुँचा अभी आगे से भी मैंने पूछा था ये ढाबे वाले से पूछा था आगे रोड दो घंटा ऐसी रोड जाएगा बोला दो घंटा और यहाँ से तकरीबन और भी है ना ले यहाँ से लेकर ले तक 90 किलोमीटर और है और दो घंटा रोड है ना दो घंटा ऐसे ही रोड है बोला
अभी थोड़ा 5 मिनट के लिए ये जो ढाबा था तो हम चाय पीने में चाय पी रहा था, ठीक है, थोड़ा 5 मिनट के रेस्ट किया। देख रहे ना पहाड़ पूरा ऐसी, अब ये रोड है ना पहाड़ के बीच बीच से जाते हुए यहाँ से निकल पड़ेगा, बीच बीच में ना इतना गंदा ऑफ रोड था, बाप रे, वो भी इतना छोटा छोटा रोड, बाप रे। अभी यहाँ पे ना मैं अपना यहाँ पे स्टिकर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। व्यू तो यार बढ़िया था, व्यू है ना जबरदस्त व्यू है, देख रहे ना व्यू, पार दिखाई दे रहा, बाप रे। ओह माय गॉड, चलो अभी 2 घंटा ऐसे ही जाना पड़ेगा, इसके बाद बोला तारगोल वाला रोड आएगा बोला, ठीक है। अभी यहाँ चिपकाता हूँ अपना स्टिकर यहाँ चिपका दिया भाई साहब। ये ढाबा का नाम है राइडर ढाबा, राइडर बाइक स्टॉप है, अने 100 ऑफ रोड था, थोड़ा दूर था लाइफ था, धंधे दिल छू तो नहीं स्टोर से दिन काले दूर था। और भाई कैसा रहा ऑफ रोड बताओ भाई, एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। हाँ पेंगोंग लेक से, और ये कौन कौन से बेटर है, पेंगोंग लेक और ये वाला अच्छा है ना। तो जो बंदा आने वाला है उसको सजेशन करोगे फिर? आओ यार, बवासीर का बीमारी नहीं है तो आ जाओ। क्या क्या? बवासीर का बीमारी नहीं है तो आ जाओ। बवासीर का बीमारी नहीं है तो आ जाओ, बाकी सब चल जाएगा। चलो भाई, अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, अलग लेवल का, ठीक है। लेकिन अपना हाथ यार, दाहिने वाला हाथ है ना, सपोर्ट नहीं कर रहा है ऑफ रोड में, मेरा तो गांड पड़ रहा है यार हाथ में ना। अभी और बाइक गिर गया था, वो जेसीबी खुदाई कर रहा था ना, वहाँ पे एक बाइक गिर, वहाँ से पीछे वाला टायर स्लिप हो गया था ना, इस साइड पे दाहिने तरफ गिर गया था, क्योंकि दाहिने वाला हाथ है ना मेरा सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा जान नहीं है अभी हाथ में ना, दाहिने वाला हाथ में जान नहीं आ रहा, फिर भी ना संभल के जाना फिर यहाँ से ना, क्योंकि लेह तक तो पहुँचना है आराम से, ठीक है। अभी शायद ले में, अभी पता नहीं कब तक ले पहुंचेगा, लेकिन आ तो जाएगा 3-4 बजे समथिंग पहुंचेगा लग रहा है मेरे ख्याल से। अभी थोड़ा 5 मिनट चाय पीते इसके बाद निकलते हैं। अभी ये पूरा पहाड़ पूरा चढ़ना पड़ेगा यार, इतना खतरनाक है यार, पूरा चढ़ना पड़ेगा यार। रोड तो सही आया है, भाई साहब आपको दिखाता हूँ यार कहाँ से आया हम लोग, वहाँ नीचे से आया भाई, पूरा चढ़ गया था, बाप रे। व्यू दिखाई दे रहा है क्या कमाल का है यार, बाप रे। फर्स्ट और सेकंड में ही जा रहा, बाकी नहीं जा रहा, थर्ड फोर्थ में जा नहीं रहा है, फर्स्ट और सेकंड में ही जा रहा बाकी, बाप रे इतना चढ़ाई है भाई। अभी ले शायद पहुँचना मुश्किल लग रहा है भाई, है ना। चलते भी अपना बड़ी निकल गया है दोनों, रोड तो सही है यार। अभी फिर नीचे ढलान में जाना है यार, अपना दो बड़ी तो आगे निकल गया भाई, क्या नज़ारा है भाई, बढ़िया व्यू आ रहा है भाई। भाई लो जी लो पहुंच गया, एक ला पहुंच गया, सिंगेला नहीं है भाई, सिंगेला। इसका हाइट कितना लिखा हुआ है दिखा नहीं दे रहा, देख अच्छा हाइट खासू रेशा हाइट चिमी दे, पता ही नहीं चल रहा हाइट कहाँ लिखा है,
लेकिन नाम तो है सिंकेला। अभी अपना स्टिकर यहाँ चिपकाता हूँ, स्टिकर यहाँ पे स्टिकर लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ का सिंकेला का नज़ारा दिखाता हूँ, क्या कमाल का नज़ारा है भाई साहब। अभी यहाँ से ले तकरीबन कितना होगा यार, 2-3 घंटे का रास्ता है, शायद दो घंटे का रास्ता होगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। अपना स्टिकर चिपकाता हूँ यहाँ पे, फिर आप यहाँ का लगा नज़ारा दिखा दो, ये सिंकेला भाई क्या कमाल का व्यू है यार, है ना, ठीक है। कहाँ चिपका दो यार, खोलो तो खोल जाओ देने यार, यहाँ चिपका दूंगा ना, यहाँ चिपका देगा, यहाँ भी चिपका दिया अपना स्टिकर, यहाँ चिपका दिया। और यहाँ पे काफी सारा प्रे फ्लेक्स है भाई साहब, क्या नज़ारा भाई, वो दिखाई दे रहा है ग्लेशियर, ऐसा लग रहा है कि कैमल बैक लग रहा है, कैमल बैक। बाप रे इतना चढ़ाई करके आया, फिर ढलान, फिर उतरना नीचे ढलान पे भाई साहब। अभी वहाँ मेरे को रोड दिखाई दे रहा है, वहाँ तक जाना है बाप रे। ओ भाई साहब पूरा ढलान ढलान, रोड तो सही है, अभी रोड सही है। अभी रोड नीचे से जाना है बाप रे, फिर पूरा ढलान ढलान, अभी इसके बीच में जाना पड़ेगा, फिर नीचे ढलान में ना, रोड तो सही है। अभी दिखा जरा बर्फ अभी भी पड़ा हुआ है बाप रे, एक अभी बुलडोजर आके काम कर रहा है, क्या नजारा है भाई व्यू। चलो जी चलो चलते हैं अभी, है ना, नहीं तो लेट हो जाएगा, शाम रात हो जाएगा। भाई साहब बर्फ ही बर्फ है भाई, इतना मोटा बर्फ है भाई, फिर नीचे उतरना है ढलान पे। चलो जी चलो, एक ला में पहुंच गया, ला का नाम है सिरसिला है। यहाँ पे अपना स्टिकर लगाता हूँ, स्टिकर भाई हेलमेट खोलने का मन नहीं कर रहा यार, बहुत ठंड है यार बाप रे। कितना हाइट है, 15,700 फीट के ऊपर है हम, 15700 फीट। नाम है सिरसिला बाप रे। अभी फिर नीचे जाना है ढलान में। अब अभी आपको बता दो ना, हम लोग थोड़ा रास्ता भटक गया है, क्योंकि है ना एक्चुअली में हमको जाना था नीमू, जाना था नीमू, है ना, लेकिन रास्ता क्योंकि दो कॉम्प्लिकेटेड आ गया ना, दो रोड आ गए, उसमें हम भटक गया, क्योंकि उसमें हमारा गूगल मैप, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं है ना। अभी ये जो रोड जा रहा है ना, अभी ये जा रहा है लामायुरू रोड जा रहा है, लामायुरू। हमको क्या ज़्यादा रूट, मतलब काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो गया अभी, क्योंकि नीमू, अगर नीमू पहुँच जाएगा तो 4.5 घंटे का रास्ता था नीमू में ना। अभी ये हम तीनों के लिए लंबा रूट हो गया, ये लंबा रूट पड़ गया अभी, क्योंकि है ना सब है ना, क्योंकि नीचे एक वो आया था, एक ब्रिज आया था, ब्रिज में वो लिखा हुआ था, दो रोड आया, एक बाएं साइड में लिखा था ले और राइट साइड में था न्यूयॉर्क, क्योंकि हमको है ना न्यूयॉर्क से जाना था, ऊपर वाला रोड से जाना था, क्योंकि हमारा
जाना तो हमको ले था ना, तो रोड पे बोर्ड पे लिखा होता ले, तो हम उसी रोड पे गया था ना, उसी रोड से जा जाके अभी ये रोड आ गया, अभी ये रोड जा रहा है, लामा यूरो जा रहा है। अभी हमको ना काफ़ी ज़्यादा टाइम है ना, टाइम लंबा खींच दिया, अभी बहुत लंबा हो गया टाइम, अभी इसको चिपकाता हूँ यहीं पे। बाप रे, सिलसिला, क्योंकि जब हमने पादम पे बैठा था ना, वो हमने पूछा था कि जब हम पादम से निमो जाने के लिए कोई लाल लाल पहुँचेगा, बोला कोई 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 भी लाल नहीं पहुँचेगा बोला ना। इट मीन्स हम लोग रास्ता भटक गया, अभी दो लाभ अपने लामा यूरो जाने के लिए दो लाभ पहुँच गया ना, एक सिलसिला और सेंगेला, क्योंकि ये रूट पक्का जा रहा है कि लामा यूरो जा रहा है, क्योंकि मैं गूगल मैप वैसे तो मेरा ऑफलाइन था ना, ऑफलाइन पर दिखा रहा था कि ये रूट लामा यूरो ही है। चलो चिपकाता हूँ यार, कौन चूस लो भाई, चिपक गया। पंद्रह हजार 700 फीट के ऊपर हमें लामा यूरो। चलो फोटो खींच लो भाई, हेलमेट खोलने का मन नहीं कर रहा यार, सर दर्द हो रहा है क्योंकि हवा बहुत ठंडा आ रहा है यार। पचास खींचे, पचास। बाप रे, हम लोग वो वाला पहाड़ दिखाई दे रहा ना, वहाँ से चढ़ गया था, वो रोड दिखाई दे रहा ना वहाँ से, बाप रे। अबे सांस फूल रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी नीचे फिर नीचे ढलान है यार फिर, बाप रे। चलता हूँ, चलो भाई। फाइनली है ना, ले तो नहीं पहुँचा, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचा। यहाँ से तकरीबन लामा यूरो है शायद 3-4 किलोमीटर समथिंग है यहाँ से लामा यूरो। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, अभी ये जो हम लोगों ने आपको ले करके नेशनल हाईवे दिखाऊंगा, ठीक है। और हम लोग इस रास्ते से आया, ठीक है, इस रास्ते से आया था, अभी ये पहुंच के ले करगिल हाईवे, ठीक है, ले करगिल हाईवे पहुंच गया। जब पिछले साल आया था ना, ये वाला गेट नहीं था, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ से पादम भी निकल रहा है। ये मोनेस्ट्री बांग्ला में है, इसी रोड पे था। यहाँ से लिंगशिद मोनेस्ट्री पे आ रहा है, लिंगशिद मोनेस्ट्री पे है ये ले करगिल हाईवे, ले करगिल हाईवे यहाँ से है लामा यूरो सिर्फ 3-4 किलोमीटर है बस। अभी हम आज रात है ना लामा यूरो में होल कर रहा है, क्योंकि आज अभी वैसे तो 5 बज गए ना, अभी यहाँ से ले जाऊँगा, ले जाएगा तो 2 घंटा लगेगा ना, 2 घंटा लगेगा, 7 पहुँचेगा, इसके बाद रूम भी ढूंढना है, फिर टाइम लेट हो गया ना, इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि आज रात लामा यूरो होल्ड करेंगे। और इन लोगों ने इन वैसे तो हमने दर्शन तो कर लिया है, अभी इन दोनों सुबह मैंने बोला ना सुबह जाओ मंदिर का दर्शन करो, है ना, मैंने बोला आज रात लामा यूरो बैठते हैं, क्योंकि है ना अभी थोड़ा टाइम है ना, इसलिए हम लोग फोटो ले रहे हैं बस। भाई यार ले, ये वाला रोड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार निकल रहा है, क्योंकि हमारा लोकेशन रोड है ना अलग हो गया यार, वो निमो पहुंचना था, पता नहीं यहाँ लामा यूरो पहुंच गया। चलो कोई नहीं, क्योंकि मेरे को ये याद है कि पिछले साल जब लामा यूरो के मोनेस्ट्री दर्शन करके वापस आया था ना, ये वाला मोनेस्ट्री मेरे को याद आया, क्योंकि ये वाला मोनेस्ट्री पिछले साल मैंने आपको बताया कि ये वाला मोनेस्ट्री ये साउथ में है ना एक मोनेस्ट्री है, गोल्डन टेम्पल बोले वाला बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसी का डिज़ाइन बना हुआ है। चलो भाई, कैसा रहा ऑफ रोड? बढ़िया बढ़िया ऑफ रोड, मज़ा आया ना? मज़ा आ गया, पूरा सफ़ेद बना दिया अभी, ये है सफ़ेद, यही तो है ऑफ रोड के मज़े हैं।